We are going to start with a chapter that is chapter 12th of class 8th. Name is friction. ठीक है, देखिए ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक्चुअली आपने अगर हम बात करें फ्रिक्शन के बारे में तो फ्रिक्शन एक फोर्स ही है. व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ फोर्स. इससे प्रीवियस चैप्टर में जिसमें हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था उसमें भी हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है. इट इज एन अपोजिंग फोर्स. इट इज एन अपोजिंग फोर्स. और ये फोर्स कब नोटिस में आता है? जब कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर पड़ी है या इट इज जस्ट अबाउट टू मूव. ये एक अपोजिंग फोर्स होता है. फ्रिक्शन क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स. देखिए जैसे कि आप पानी में स्विम करें, ये फिगर आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर, इसके अंदर अ स्विमर इज जस्ट ट्राइंग टू स्विम इन वॉटर. तो क्या आपको लगता है कि फोर्स अप्लाई किए बिना ये स्विम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. स्विम करने के लिए फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा ना. एंड यू नो दैट व्हाई दिस मैन हैज टू अप्लाई फोर्स इन ऑर्डर टू स्विम. द रीजन बिहाइंड इज टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे कि ये स्विम इधर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो फ्रिक्शनल फोर्स इनको मूव नहीं करने दे रहा है, पर अगर इनको स्विम करना है आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड मूव करना है, ही हैज टू अप्लाई अ फोर्स. So that means friction is a force, but it is a negative force. Otherwise, किसी चीज पे जैसे object है इस पर आप force लगाए तो इसको move करा देगा ना, है ना. लेकिन frictional force एक negative force है जो क्या create करता है? एक opposition, जो movement को कम करता है, restrict करता है. That is what is a friction. अब जैसे कि अगर हम बात करें इस ball की, अगर ये ball हम जैसे फेंक रहे हैं तो ये ball चलती चलती खुद रुक जाती है. पता है ना आपको, जैसे कि बॉल रोल होती हुई आ रही है तो फाइनली एक टाइम पे बॉल खुद रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो ग्राउंड है जिस पे ये रोल कर रही है वो इसको क्या ऑफर करता है? ही ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स जो अपने आप मोशन को रोक देता है. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसी चीज में बहुत बेनिफिशियल भी होता है और कई बार इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होता है. जैसे कि इस फिगर में यू कैन इजिली सी दैट सोल ऑफ शूज एक्चुअली इज गेटिंग, यू कैन से इज डिस्ट्रॉयड, है ना, कि जो ये सोल ऑफ शूज है इट इज टॉर्न. द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि जब ये चलते हैं ऐसे शूज, कोई भी शूज पहन के हम चलते हैं तो ये जो सोल है ये ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में आती है. सपोज ये ग्राउंड है, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, है ना. तो फ्रिक्शन करके कभी आप आगे पढ़ोगे कि वॉट हैपन्स, अ हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो जो हीट है, हीट कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय द सोल ऑफ द शू ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस नेगेटिव फोर्स दैट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन टू नोटिस वेन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द अदर और वेन वन बॉडी जस्ट ट्राइज टू मूव ओवर द अनदर बॉडी. सो ऑब्वियसली इट इज एन अपोजिंग फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो चलो पढ़ते हैं अब हम फ्रिक्शन के बारे में. सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर friction, causes of friction, factors affecting friction, methods to reduce friction, advantages and disadvantages of friction, and fluids and fluid drag. So these topics we are going to cover in this chapter. So let us start now. आपने कभी देखा है, have you ever thought that why the vehicle slow down when the brakes are applied? कभी भी जैसे आप फिगर देख रहे हो ये कार की, कभी भी आप ये कार ड्राइव कर रहे हो तो एकदम से अगर आपको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो कार है कुछ डिस्टेंस के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टॉप हो जाती है, है ना. तो मतलब ब्रेक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो व्हीकल स्लो डाउन हो जाता है और फाइनली इट स्टॉप्स. देखा है ना आपने ऐसा. ऐसे ही अगर बॉल किसी सरफेस पे रोल होती हुई आ रही है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो फाइनली स्टॉप हो जाती है. अगर आप फोर्स लगाओगे तब भी स्टॉप हो जाती है, अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे देन ऑल्सो इट स्टॉप्स. सपोज दिस बॉल इज रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, तो रोल करती करती आ रही है, फाइनली इट विल कम टू रेस्ट, है ना, अपने आप विदाउट द एक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. देखी है ना आपने ऐसी चीजें. ऐसे ही यू नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर.
बहुत ही जो चिकना फ्लोर होता है, जो कि बहुत जिसपे कुछ वेट चीज गिरी हुई है या जो बहुत स्मूथ दिख रहा है हमें, उस पे चलना बहुत मुश्किल होता है और चांस होता है कि हम गिर सकते हैं इस तरीके से. एज यू कैन सी दैट, इस तरह की होर्डिंग्स भी कहीं आपने देखी होंगी, कॉशन द वेट फ्लोर, बिकॉज वेट फ्लोर पे जब चलते हैं तो देयर इज अ चांस दैट अ पर्सन कैन एक्चुअली स्लिप डाउन. ऐसे ही हम गिर जाते हैं व्हेन वी स्टेप ऑन टू अ बनाना पील. सपोज किसी ने खा के बनाना ऐसे फेंक दिया और आपका पाव उस पे आ गया, सो देयर इज अ चांस दैट यू मे फॉल डाउन, है ना. तो ऐसी सब चीजें आपने अपने नॉर्मली अपने आसपास देखी हैं होते हुए. सो आंसर्स टू ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन दिस चैप्टर, दैट इज द फ्रिक्शन. ये जो आपने कॉमन चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी, जो आपने अपने आसपास देखी हैं, सो यू आर गोइंग टू रिजॉल्व देम इन दिस चैप्टर, दैट इज द फ्रिक्शन. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट, व्हाट इज द फ्रिक्शन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फ्रिक्शन नाउ. व्हाट इज इन फ्रिक्शन? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब दो बॉडीज को आपस में फिजिकली टच करना पड़ता है तब ये फोर्स नोटिस में आता है. तो व्हाट इज अ फ्रिक्शन? इट इज एन अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी. जैसे कि सपोज एक आपके पास ये बॉक्स है और एक ये सरफेस है, ठीक है. तो ये बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करना चाह रही है, आप यहां से फोर्स लगाते हो और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, ठीक है. तो ये मूव अपने आप तो कर नहीं पाती है, यू नीड टू अप्लाई सर्टेन फोर्स, राइट. तो ये फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है आपको? क्योंकि जैसे ही दो बॉडीज आपस में टच होती हैं, देयर इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, दैट इज अ फ्रिक्शन, दैट इज एन अपोजिंग फोर्स. तो जो इस बॉक्स को, मतलब इस सरफेस को दूसरे सरफेस पे मूव करने नहीं देती, ठीक है. तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स, और जब ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, देन ओनली द बॉडी इज गोइंग टू मूव, दैट इज द मोशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. तो फ्रिक्शन आप कह सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में एक अपोजिंग फोर्स है, मतलब मोशन अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है. जो मोशन को हमेशा अपोज करती है ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, सो दिस इज द फ्रिक्शन. Now, what is the reason behind the friction? देखिए जैसे एक आपके पास ये सरफेस है, राइट, और एक आपके पास दूसरा सरफेस है. तो जैसे ये सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ऑब्वियसली देर विल बी अ फोर्स. ऑब्वियसली वेन दे विल कम इन कॉन्टैक्ट, द फोर्स दैट एग्जर्टेड बिटवीन द टू इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. तो हमने ये देखा कि वेन टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन ओनली इट कम्स इन टू प्ले, सो देयरफॉर इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, ठीक है, तीनों के अंदर ही ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है. तो हमने देखा कि इट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लीस्ट इन केस ऑफ गैसेस. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेस. एज यू कैन सी इन द फिगर, देयर इज अ पर्सन हु इज स्विमिंग इन द वॉटर, स्विमर इज देयर, तो ही ऑल्सो नीड टू अप्लाई अ सर्टन काइंड ऑफ फोर्स टू स्विम, बिकॉज ही इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. सो दैट मीन्स लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू अप्लाई फोर्स, तभी आप उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर पाओगे और आप मूव कर पाओगे. लाइकवाइज यू कैन सी बर्ड्स फ्लाइंग इन एन एयर, दे ऑल्सो नीड टू अप्लाई सर्टन काइंड ऑफ फोर्स, because air also exert friction, that means there is a frictional force exerted by air also. No matter ki bhi kiske andar zyada hai ya kiske andar kam hai, chahe air hai, chahe aapke paas solid hai, chahe aapke paas liquid hai, teenon ke andar hi frictional force hai. Solid mein maximum hai aur air ke andar minimum hai, but still all of them have a certain kind of friction and we need to apply a force in order to overcome that frictional force. Now what is the cause behind the friction? Jaise ke suppose ek surface aapke paas ye hai, theek hai, aur ek surface aapke paas ye hai, dekhne mein to ye smooth lag rahe hain, plain surface lag rahe hain, par agar aap inko dekhoge to aapko pata lagega the surface that appears to be smooth are actually not smooth.
दे कंटेन रिजेस एंड ग्रूव्स. दीज, ये जो अपर रेस स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर रिजेस जो कि ऊपर की तरफ एलिवेटेड हैं, और जो नीचे की तरफ झुके हुए हैं दीज आर ग्रूव्स. सो द स्ट्रक दी यू कैन से दैट the surface that appears to be smooth are not actually smooth, they contain ridges and grooves. तो ऐसे surface जब आपस में contact में आते हैं, touch होते हैं, तो इनके ridges और grooves आपस में interlock हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? Interlock. Interlocking करके ये surface आपस में with respect to other move नहीं कर पाते, क्योंकि lock हो गए ना. जैसे आप fingers, दोनों हाथ की fingers को tightly अपने एक दूसरे की fingers में फंसा लो तो they get locked. So the motion is opposed. तो उसी तरीके से ये lock हो जाते हैं. As you can see that they are just, they have ridges grooves. When they come in contact, they get locked in this way. So you need to apply force here in order to overcome this friction. So here the friction comes into notice. So that means the surface that appears to be smoother are actually fake. They are not smooth. They possess some irregularities called as ridges and grooves. So when these kind of surfaces comes in contact, their ridges and grooves get interlocked. आपस में interlock हो जाते हैं. And friction comes into notice because motion is opposed. So this is what is a friction, opposing force that opposes the motion. So as you can see that the ridges and grooves, this is an interlocking when they get interlocked, and then you need to apply force in order to overcome them. And moreover, force of friction always act in an opposite direction. Suppose the motion is in this direction, friction acts always in an opposite direction. Right? So, आपको ये जानना है कि जो अगर body move इस direction में कर रही है, तो friction opposite direction में लग रहा है. Now, factors that affect friction. पहला factor है nature of surfaces. जैसे कि आपको पता है friction का कारण क्या है? रफनेस है ना. स्मूथ जो सरफेस दिखते हैं वो स्मूथ तो होते नहीं है, वो क्या होते हैं? रफ. तो जितना सरफेस रफ होगा उतने ही ज्यादा रिजेस एंड ग्रूव्स होंगे. जितने ज्यादा रिजेस एंड ग्रूव्स होंगे उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, और जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी. जैसे कि आप ये टाइल्स देख रहे हैं, टाइल्स देखने में बहुत स्मूथ लग रही है, बट दे आर ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ रफनेस. मोर ओवर रोड्स देख रहे हैं, रोड्स भी रफ होती है. जितनी ज्यादा रफ होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी. सेकेंड इज वेट. मोर इज द वेट ऑफ द बॉडी, मोर इज द फ्रिक्शन. सपोज एक सर्फेस पे बॉक्स देख रहे हो आप, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा आप कह सकते हो इंटरलॉकिंग अच्छी होगी और उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी. थर्ड वी हैव सर्फेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अब देखिए, जैसे आपके पास एक ये बॉडी है और एक सरफेस दूसरी बॉडी का ऐसे है, तो इनपे कॉन्टैक्ट सिर्फ इतना है ना. और ऐसे ही एक सरफेस ऐसा है और इसके अंदर दूसरा सरफेस ऐसा है, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट कितना है. तो कॉन्टैक्ट किसके अंदर ज्यादा है? ऑब्वियसली इसके अंदर ज्यादा है. तो ज्यादा कॉन्टैक्ट का मतलब है इंटरलॉकिंग किसमें ज्यादा है? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है. इसमें तो कम है ना, बिकॉज सर्फेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी लेस. सो ऑब्वियसली the friction will be more in the region where the interlocking is the maximum. So more is the surface area, more is the friction. Right? As you can see here, the boy, this child is just trying to pull his toy. So इसमें wheels लगे हैं नीचे. तो wheels means ये वाली friction है. ये आपके पास surface है, उस पर wheels चल रहे हैं. So this kind of friction is less because the surface area in contact is less between two bodies, and so interlocking will be comparatively less or friction bhi kam hogi. Now how one can reduce friction? Right? We can reduce friction by making the body streamlined. Streamlined ka matlab hota hai kuch is tarike se, narrow from ends, wider from middle. Konon se patli aur beech mein se moti, jaise ki fish hoti hai aapke paas. फिश की बॉडी भी तो स्ट्रीमलाइंड होती है ना. तो अगर ऐसा होगा, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी, तो जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा और फ्रिक्शन भी
कम लगेगी उस पे, इसीलिए जो कि आपको पता है कि भी जो फिशेज है वो पानी के अंदर रहती हैं, सो इन ऑर्डर टू दिस थिंग रिड्यूस द फ्रिक्शन देयर बॉडी, दिस इज एन अडेप्टेशन कि उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है, नैरो फ्रॉम एंड्स एंड वाइडर फ्रॉम मिडल. नेक्स्ट कन्वर्टिंग इन टू व्हील्स, वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग इन टू व्हील्स. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब कोई सर्फेसिस इस तरीके से होंगे तो इनके बीच पे इंटरलॉकिंग भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर सर्फेस आपका ऐसा होगा तो सर्फेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगी. सो वी कैन कन्वर्ट इन टू व्हील्स, दैट मीन्स व्हील्स हैव रोलिंग फ्रिक्शन और रोलिंग काइंड ऑफ फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज less because surface area of contact is less, so friction is comparatively less. And moreover, by polishing surfaces, क्योंकि आपको पता है कि जो roughness है, roughness is the cause of friction, है ना, तो आप roughness को अगर कम करना चाहते हो you can polish the surface. Polish करने से क्या होगा, friction कम हो जाएगी. Now, as you know that the factors on which the friction depends, और आपको ये भी पता है how the friction can be increased and how the friction can be decreased. So, we have few questions here. The first question is, why the sole of our shoe is grooved? आपने देखा होगा जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो shoe का sole होता है वो नीचे से इस तरीके से उसके अंदर ridges और grooves होते हैं, है ना, तो किस लिए ऐसे रिजेस एंड ग्रूव्स जो होते हैं वो सोल ऑफ शू पे होते हैं. द रीजन बिहाइंड इज इट इज ग्रूव्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप, क्योंकि ग्रूव्स होने करके इसके अंदर आप कह सकते हो बहुत ही सरफेस के अंदर इररेगुलरिटीज आ गई हैं. सरफेस के अंदर क्या आ गई है, सरफेस स्मूथ तो नहीं है ना, बहुत सारी इररेगुलरिटीज हैं. तो ऐसे रिजेस और ग्रूव वाला सरफेस जब दूसरे सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो अच्छे से इंटरलॉकिंग होगी, है ना, अच्छे से इंटरलॉकिंग होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अच्छा होगा, अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा होगा. तो इसीलिए इसको ग्रुप बनाया जाता है ताकि बेटर ग्रिप रहे, आप फ्लोर पे सेफली मूव कर पाए. अब आप देखो कई शूज ऐसे होते हैं, कई सैंडल्स ऐसे होते हैं जिनका सर्फेस बिल्कुल स्मूथ होता है, आप बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हो वैसे लेने के लिए. क्यों? क्योंकि उन सैंडल्स को पहनकर आप स्लिप होते हो. स्लिप इसलिए होते हो क्योंकि वो आपको अच्छी ग्रिप नहीं देते, क्योंकि वो नीचे से स्मूथ है. स्मूथ होने करके क्या होता है, फ्रिक्शन जो होती है वो लेस होती है, और फ्रिक्शन लेस होगी तो आपको पता है आप सेफली मूव नहीं कर पाओगे, देयर इज अ चांस दैट यू मे स्लिप. सो द सोल ऑफ शू इज ग्रूव्ड जस्ट टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट वी कैन मूव सेफली. ऐसे ही वी हैव अनदर क्वेश्चन, why brake pads are used in brake system of automobiles and cycles. आपने देखा होगा कि जब भी आपको व्हीकल को रोकना है you need to apply brakes. ये तो पता है ना आपको, there is a proper brake system in vehicles. अब brake system के अंदर there is one part brake pads. figure के अंदर आप देख पा रहे हो these are brake pads. so why these brake pads are there like in the brake system, ये हम पढ़ने वाले हैं. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दीज ब्रेक पैड्स एक्चुअली इंक्रीज फ्रिक्शन सो दैट जो ब्रेक्स हैं वो एक इफेक्टिव वे में काम कर पाए, क्योंकि ये जैसे हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं ये टायर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, कॉन्टैक्ट में आने करके अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो ब्रेक है वो अपना काम सही से कर पाती है. सो व्हेन वी आर ड्राइविंग द व्हीकल द पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स, बट एज सून एज वी अप्लाई ब्रेक्स जो ब्रेक लीवर द पैड्स जो है दे अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इट एंड दस द व्हीकल स्टॉप्स. अब समझ गए ना, तो इन पैड्स का कारण क्या है, पैड्स क्या कर रहे हैं, दीज पैड्स एक्चुअली हेल्प द व्हीकल टू स्टॉप, राइट. तो इन पैड्स का ये फंक्शन रहता है. नेक्स्ट वी हैव व्हाई वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन कैरम बोर्ड. आपको पता है कैरम बोर्ड इज अ गेम विच यू ऑल हैव एंजॉयड व्हेन यू वर किड्स एंड स्टिल माइट बी यू आर एंजॉयिंग. तो आपको पता है कि जब भी हम कैरम बोर्ड खेलते हैं इट इज ऑलवेज एडवाइज टू स्प्रिंकल पाउडर ऑन इट. जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो दे आर प्लेइंग कैरम, राइट, और इसके बीच में व्हाइट व्हाइट थिंग इज शोइंग अ पाउडर, मीन्स द पाउडर इज जस्ट स्प्रिंकल ऑन अ कैरम बोर्ड. अब ये स्प्रिंकल करने का क्या कारण है, जब आप पाउडर को स्प्रिंकल करते हो कैरम बोर्ड पे तो ये सरफेस को स्मूथ करता है,
स्मूथ होने करके फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो आपका स्टैगर है वो स्मूथली मूव कर सकता है अब. और आप बहुत सारी जो इसके अंदर ये आप देख पा रहे हो जो ये गीटीज होती हैं, इनको आप विन कर सकते हो. सो एक्चुअली इन ऑर्डर टू इन दिस थिंग रिड्यूस द फ्रिक्शन टू स्मूथन द बोट वी एड पाउडर टू द कैरम बोट. नेक्स्ट, व्हाई ऑयल इज पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ द डोर. जो आपके हिंजेस होते हैं डोर के उस पर आप ऑयल, आपको पता है ऑयलिंग करते हो, नहीं तो जो दरवाजे हैं उनमें से आवाज आने लगती है ना. सो व्हाई ऑयल इज पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ द डोर. जब आप ऑयल को पोर करते हो, ऑयल एक्चुअली रिड्यूसेस द फ्रिक्शन और जो डोर है उनकी मूवमेंट्स अच्छे से हो पाती है एंड इट कैन ओपन एंड क्लोज स्मूथली और उसमें से कोई आवाज भी नहीं आती. तो टाइमली आपको कहा जाता है टाइम टू टाइम ये जो डोर्स हैं उनके हिंजेस में हमें ऑयल पोर करना चाहिए सो दैट दे कैन वर्क इन अ स्मूथ मैनर. नेक्स्ट वी हैव दैट व्हाई ऑयल एंड ग्रीस आर अप्लाइड ऑन अ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन. अब जैसे कोई भी मशीन के पार्ट्स हैं उनको हमें टाइमली ल्यूब्रिकेट करना पड़ता है, मतलब ऑयल या ग्रीस अप्लाई करनी पड़ती है ना, नहीं तो मशीन काम सही से नहीं कर पाती है. तो क्या होता है ऑयल और ग्रीस से, व्हेन वी अप्लाई ऑयल और ग्रीस इट फॉर्म अ थिन लेयर, उस पर एक पतली सी लेयर बना देती है उसके मूविंग सरफेस पे. तो जो सर्फेसिस जब घूमते हैं वो आपस में जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, रब होते हैं आपस में, तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होती, मतलब जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है और मशीन पार्ट्स अपना इफेक्टिव काम कर पाते हैं. सो इट इज ऑलवेज एडवाइस टू ऑयल एंड ग्रीस द मशीन पार्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द मशीन वर्क स्मूथली. नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बहुत सारे फायदे भी हैं और फ्रिक्शन के बहुत ज्यादा नुकसान भी है. सो लेट अस फोकस नाउ ऑन दैट. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, इट इनेबल अस टू राइट ऑन पेपर. आप जो पेपर पे लिख पाते हैं दैट इज जस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो पेन आपका स्लिप होता उसके ऊपर, ठीक है, तो आप लिख नहीं पाते. इट इनेबल अस टू होल्ड पेन. आप पेन को पकड़ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने पेन को पकड़ रखा है. सो अगर फ्रिक्शन होती है तभी पकड़ रखा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो पेन स्लिप हो जाता, ठीक है. इट इनेबल अस टू वॉक, वी कैन प्रॉपरली वॉक और रन ऑन द ग्राउंड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट. इट होल्ड स्क्रू इन वुड, जैसे कि कोई वुड है इसके अंदर आप स्क्रू डाल रहे हो तो क्योंकि स्क्रू पे फ्रिक्शन लग रही है स्क्रू और इसमें, और तभी ये यहाँ पे होल्ड रहता है, ये मोशन में नहीं आ पाता है. इट अलाउ डिशेस टू स्टैंड ऑन टेबल एंड मेनी मोर. जो भी चीज आप जहां पे भी रखते हो वो वहीं पे रहती है, किस कारण, फ्रिक्शन करके, क्योंकि मोशन अपोज होता है और मोशन तब तक नहीं होता जब तक आप खुद फोर्स नहीं लगाते और वो लगाया हुआ एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाता तब तक मोशन प्रोड्यूस नहीं होता. सो इट अलाउज डिशेस टू स्टैंड ऑन टेबल एंड मेनी मोर थिंग्स टू रिमेन एट देयर ओन प्लेस. सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इवल, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण आप कितना कुछ कर पा रहे हो. सो ऑब्वियसली इट इज अ नेसेसरी इवल. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, देखिए किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो ऑन द अदर हैंड यू हैव डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. सम एनर्जी इज ऑलवेज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन. जैसे कि अगर हम इस मशीन की बात करें, इस मशीन को चलाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, कुछ फोर्स तो यूज हो रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए और बचा हुआ जो एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल वर्क. सो यू कैन से दैट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल फोर्स. इट कॉज वियर एंड टीयर ऑफ सोल ऑफ द शूज. आपको पता है आप अगर कोई सुंदर सा फुटवेयर लेकर आते हैं तो कुछ अगर आप उसको रेगुलरली पहनते हैं तो उसका सोल टीयर हो जाता है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन करके, वेन एवर द सोल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द रोड्स और टाइल्स एनीथिंग, सो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले. सो ड्यू टू दैट फ्रिक्शन दिस थिंग द टीयर ऑफ सोल ऑफ द शूज ऑल्सो टेक प्लेस. फ्रिक्शन, जब भी कभी दो बॉडीज आपस में रब होती हैं, टच तो होती है ना, टच होती है तो रब होती है, तो उसे हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इट कैन डैमेज द रबर पार्ट्स ऑफ मशीन्स आल्सो. आपको पता है मशीन्स के अंदर रबर एक्सेसरीज भी यूज होती हैं पार्ट्स, तो हीट से
rubber parts damage ho sakte hain. Right. Now we are going to start with a topic that is fluids. तो सबसे पहले बात हम ये जानेंगे कि fluids होते क्या हैं. Fluids are actually those which can flow. Fluids किसको कहते हैं? Those substances which can flow, they are called as fluids. अब आपको पता है तीन states हैं हमारे पास matter की, solid, liquid और gas. अब आपको पता है solids तो flow करता नहीं है. क्यों करते नहीं? क्योंकि उनके particles बहुत पास पास होते हैं, तो वो flow कर ही नहीं पाते हैं. जो liquids हैं, उनके अंदर पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, सो दे कैन फ्लो अप टू अ सर्टन अमाउंट. जो गैस है उनके अंदर तो पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर है, स्पेसेस हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन जस्ट फ्लो डाउन. तो दैट मीन्स तीनों स्टेट ऑफ मैटर में से सिर्फ लिक्विड्स एंड गैस है विच कैन एक्चुअली फ्लो. सो वॉट आर फ्लूइड्स? दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, दैट इज लिक्विड एंड गैस, दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्लूइड्स. तो फ्लूइड्स किनको बोलते हैं हम? लिक्विड्स और गैसेस को, क्योंकि सॉलिड्स तो फ्लो कर नहीं पाते हैं. ठीक है, तो आउट ऑफ थ्री स्टेट्स ओनली लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. अब हमने ये देखा कि जो फ्लूइड्स हैं वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे एग्जर्ट करते हैं. कौन से ऑब्जेक्ट्स पे? जो उनके अंदर मूव करने लगते हैं. सपोज आपके पास ये पानी है, पानी के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहेगा सो इट विल एक्चुअली एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सिमिलरली इन गैस ऑल्सो, जैसे कि आपको पता है आपके आसपास एयर है, इफ यू ट्राई टू मूव योर हैंड इन एयर तो आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द एयर विच विल नॉट लेट द हैंड मूव ऑन इट्स ओन. ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी लिक्विड एंड गैसेज है, मतलब फ्लूइड्स है, वो भी फोर्स एग्जर्ट करते हैं. कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दैट मीन्स एन अपोजिंग फोर्स किस पे? दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे जो उनके में से मोशन शो करने वाले हैं या कर रहे हैं. ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आपको? फ्लूइड्स लिक्विड एंड गैसेस हैं क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे. जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हो, दिस इज इंडिकेटिंग अ लिक्विड स्टेट एंड दिस इज इंडिकेटिंग अ गैस. तो गैस और लिक्विड्स बोथ आर कंसिडर्ड टू बी फ्लूइड्स, राइट, एंड दे बोथ एक्चुअली एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स विच जस्ट ट्राई टू मूव थ्रू देम. वॉट इज फ्लूइड ड्रैग? नाउ वी हैव अ न्यू टर्म, दैट इज अ फ्लूइड ड्रैग. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड्स एंड गैसेस को हम फ्लूइड्स मानते हैं, क्लियर है ना ये तो, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्सर्ट करते हैं, दे ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इनका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज अ फ्लूइड ड्रैग. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड एज फ्लूइड ड्रैग. चाहे वो फ्रिक्शन लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है चाहे गैस एक्सर्ट कर रही है, बट द कॉमन नेम इज फ्लूइड ड्रैग. मीन्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड द गैसेज बिकॉज दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है फ्लूइड्स का, जो हमने अभी फ्लूइड्स पढ़े, तो जो फ्लूइड्स का फ्रिक्शनल फोर्स है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. अब आपको पता है कि जैसे पानी है, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, कि जो फ्लूइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनकी शेप कैसी है, तो शेप के अकॉर्डिंग भी फ्रिक्शनल फोर्स कम या ज्यादा हो सकता है. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फ्लूइड, कि गैस जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, या लिक्विड है. लिक्विड भी तो कितनी तरह के होते हैं, आपके पास पानी होता है, आपके पास ऑयल होता है, आपके पास इथेनॉल है, ये सारे लिक्विड्स ही तो है ना. तो हर लिक्विड सेम तरह की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एग्जर्ट कर नहीं सकता, राइट. सो देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच द फ्लूइड ड्रैग एक्चुअली डिपेंड. पहला, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड. दूसरा, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड इज द नेचर ऑफ फ्लूइड. सो लेट अस डिस्कस दैट हाउ द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर्स. तो पहला हम करते हैं द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड. अब आप देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्विमर इज जस्ट ट्राइंग टू स्विम इन वॉटर, है ना.
तो जितनी ये ज्यादा स्पीड से मूव करना चाहेंगे उतना ज्यादा इनको ऑपोजिशन मिलेगा, मतलब उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, और उसको ओवरकम करने के लिए इनको उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये मूव कर पाएंगे. सो दैट मीन्स मोर इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर इज द फ्रिक्शन. और वी कैन से लेस इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेस इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द फ्लूइड्स. सेकेंड चीज ये है कि डिपेंड करता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन का मेन बात है कि भी सरफेस ऑफ एरिया कॉन्टैक्ट में कितना ज्यादा है. हो सकता है कि शेप ऐसी हो कि सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा हो, इंटरलॉकिंग भी बहुत ज्यादा हो जाए और ऑपोजिशन भी बहुत ज्यादा हो जाए. हो सकता है कि शेप ऐसे हो कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम हो और इंटरलॉकिंग भी कम हो और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम लगे. हो सकता है ना दोनों बात. सो इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो. अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज अ बोट. आपको पता है जितनी भी बोट्स होती हैं, दे एक्चुअली आर ऑफ सेम शेप लाइक दिस, दे आर एक्चुअली शेप लाइक दिस. एंड यू नो द व्हाट इज द नेम फॉर दिस शेप, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंड. आपको पता है इनको इस शेप का क्यों बनाया जाता है? ये आप सोच रहे होंगे कि जैसे फिशेज होती है, फिशेज की भी तो ऐसी शेप होती है. These shapes are actually, you can say, specially designed, and these are called as streamlined shape. Streamlined shape का मतलब है surface area of contact कम कर देते हैं ताकि friction भी कम हो जाए. तो shape पे कैसे depend करता है? More is the surface area of contact and more is the friction. Third is the nature of fluid. Nature of fluid. अब आप देखिए कि nature of fluid पे कैसे depend करता है. हो सकता है कि आपके पास फ्लूइड ऐसा हो जिसमें पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा पास पास हों. अब ज्यादा पास पास होंगे तो आपको पता है डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हाईली डेंसर होगा ना वो, और फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी. अब ऐसे ही अगर पार्टिकल थोड़े ज्यादा दूर दूर होंगे तो क्या होगा, डेंसिटी लेस होगी, लेस होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगा. अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, पानी और आपके पास ऑयल है, आपको दिख रहा है ना अपर सरफेस में क्या है, ऑयल, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वॉटर. और लोअर सरफेस में क्या है आपके पास, वॉटर. तो इसका मतलब ऑयल और वॉटर की डेंसिटी में तो डिफरेंस है. ऑयल जो है वो लाइटर है, मतलब कम डेंसर है ना, और जो वॉटर है वो ज्यादा डेंसर है. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑयल में से मूव करना चाहेगा तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, उसमें ओपोजिंग फोर्स अलग होगा. और अगर कोई पानी में से फ्लो करना चाहेगा तो क्योंकि वो ज्यादा डेंसर है, उसके पार्टिकल ज्यादा पास पास है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा. सो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड ऑल्सो. मोर द पार्टिकल्स आर क्लोजर, मोर इज द डेंसिटी एंड मोर इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड. नाउ टू रिड्यूस फ्लूइड ड्रैग सर्टन स्टेप्स कैन बी टेकन. मतलब अगर आप फ्लूइड्स की वजह से जो फ्रिक्शन हो रही है उसको कम करना चाहते हो, वी कैन एक्चुअली टेक सर्टन स्टेप्स. द फर्स्ट इज दिस दैट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन अ स्पेशल शेप. जो ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स में मूव करने वाले हैं उनको हम एक स्पेशल शेप असाइन कर सकते हैं, एंड दैट शेप इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइंड. ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी शेप भी ऐसे होती है, बोट्स भी इसी तरीके की होती है ना. ऐसे ही एयर में उड़ने वाले बर्ड्स की भी शेप कुछ इसी तरीके से होती है ना. तो क्या रहता है कि ये जो शेप है ये एक स्पेशल शेप है जिसका नाम है स्ट्रीम लाइंड. ऐसी शेप करने से जो फ्लूइड ड्रैग है, जो फ्लूइड्स की वजह से फ्रिक्शन है, वो थोड़ी कम हो जाती है. तो व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रीम लाइंड शेप? इट इज द शेप विच इज नैरो फ्रॉम एंड्स. मतलब इस तरीके से होती है, नैरो फ्रॉम एंड्स एंड वाइडर फ्रॉम मिडल. कोनों से पतली और बीच में से थोड़ी वाइड होती है, ऐसी शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन. आप देखिए जितना भी चीजें वाटर के अंदर या एयर के अंदर मूव करती हैं उनकी शेप्स इसी तरीके से डिजाइन करी जाती है. बोट जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रीम लाइन शेप. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट वाई बर्ड्स एंड फिशेस हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी. बर्ड्स आपको पता है एयर में उड़ते हैं और फिशेस आपको पता है वाटर के अंदर तैरती हैं, तो इनकी एक स्पेशल शेप है दैट इज स्ट्रीम लाइंड बॉडी. अब स्ट्रीम लाइंड किस लिए है? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी
in order to overcome the friction offered to them by fluids, जैसे कि एयर और वॉटर. अब स्ट्रीम लाइनिंग करने से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम. और आपको पता है फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा फ्रिक्शन, या जितना कम सरफेस एरिया उतनी कम फ्रिक्शन. तो स्ट्रीम लाइनिंग से सरफेस एरिया कम हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन भी कम हो रहा है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन जो एक अपोजिंग फोर्स है, जो कि आपको पता है अभी हमने डिस्कस भी किया कि इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी, है ना. तो ये जो फ्रिक्शन है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो देखते हैं कि इन तीनों जो टाइप्स है, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है. सो लेट अस स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. सो द फर्स्ट वी हैव इज स्टैटिक फ्रिक्शन. जैसे कि नाम से पता लग रहा है, स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी. स्टैटिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन है जो हमें देखने को मिलती है व्हेन वन बॉडी इज जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी. जब एक बॉडी सिर्फ, जैसे सपोज एक फ्लोर है आपके पास, इस पे सिर्फ बॉक्स पड़ा हुआ है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है कि बॉक्स फ्लोर के हिसाब से कोई चल नहीं रहा है, या फ्लोर में तो आपको पता है मूवमेंट कुछ ऐसा होता नहीं है. सो दैट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू, बट द टू सर्फेसिज आर जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. अब आपस में कॉन्टैक्ट में है तो ऑब्वियसली इंटरलॉकिंग तो होगी ना, और इंटरलॉकिंग होगी तो हमारे पास फ्रिक्शन भी आएगा, मतलब एक ऑपोजिशन मोशन में. सो दिस इज वॉट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू नोटिस व्हेन वन बॉडी इज जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी. जैसे ये बॉक्स है, इट इज जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, राइट, बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू. सो दिस इज वॉट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो जितनी भी चीजें सिर्फ पड़ी हुई हैं किसी चीज पे, मतलब सर्फेस सिर्फ कॉन्टैक्ट में है, उनके अंदर कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट वी हैव इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम से ही पता है आपको, छोटे होते बचपन में आप स्लाइड लेते थे, तो स्लाइड क्या होता है, स्लाइड ऐसा ही होता है ना, इस तरीके का कि आप इस तरीके से एक स्लाइडिंग सर्फेस होता है. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन है विच कम्स इन टू नोटिस वेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी. When one body slide over another body. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, this boy is just trying to pull the toy with the help of string. So we can say it is a kind of sliding friction. जैसे सपोज ये आपके पास एक सर्फेस है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स यहां से स्लाइड डाउन हो रहा है. सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट वी हैव इज रोलिंग फ्रिक्शन. इट कम्स इन टू नोटिस When one body rolls over the surface of another body. अब ये फिगर आप देख रहे हो ना, तो इस फिगर में the skates are like provided with rollers. Rollers है ना इनके अंदर, तो जब ये roll करेंगे there is small area of contact between the two. So this kind of friction when one body rolls over the another body is called as rolling friction. अब आपके पास तीन फ्रिक्शंस आ चुकी है, वन इज स्टैटिक आप पढ़ चुके हो, अदर इज स्लाइडिंग, और एक आपने पढ़ी रोलिंग फ्रिक्शन, है ना. अब देखते हैं एक बार दोबारा से. स्टैटिक के अंदर जैसे बॉक्स यहां पे सिर्फ पड़ा था, स्लाइडिंग के अंदर सपोज ये बॉक्स है, इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड डाउन, कोई चीज स्लाइड हो रही है. जैसे रोलिंग के अंदर वन बॉडी जस्ट रोल्स ओवर द अनदर बॉडी, है ना. तो आप देखो तीनों केस में किसके अंदर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली इट इज मोर इन स्टैटिक ना. स्टैटिक के अंदर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर. आपको पता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ फैक्टर विच एक्चुअली अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन. जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी और उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप वेयर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर इज मच. सो देयर विल बी मोर इंटरलॉकिंग, मोर ऑपोजिशन, दैट मीन्स मोर फ्रिक्शन. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज हायर इन इट्स मैग्नीट्यूड. बट इफ यू टॉक अबाउट रोलिंग, तो रोलिंग के अंदर क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत छोटा सा है. सो ऑब्वियसली वेन स्मॉल एरिया इज इन कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी देन इंटरलॉकिंग्स भी कम होंगी, और इंटरलॉकिंग्स अगर कम होंगी तो फ्रिक्शन भी कम होगा, ऑपोजिशन, दिस थिंग अपोजिंग फोर्स भी कम होगा.
कम होगा. सो दैट मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम इन मैग्नीट्यूड, और अगर हम बात करें स्टैटिक की, इट इज मैक्सिमम इन द मैग्नीट्यूड. सो दिस इज व्हाट इज स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन. थैंक यू.